इधर लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद या दिग्विजय सिंह उससे पहले, लेकिन आज जिस तरह से राशिद अल्वी ने श्री राम कहने वालों को राक्षस बताने का काम किया है, यही कांग्रेस जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर जब सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा था तो काल्पनिक बताने का काम किया था, अस्तित्व पर सवाल उठाया था, और आज कांग्रेस के इशारे पर राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग किताब लिखकर करोड़ों करोड़ हिंदुओं को आतंकी या बोको हराम से जोड़कर उनकी तुलना आतंक से करना चाहते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि यह एक साजिश का हिस्सा है कांग्रेस की। इसका जवाब प्रियंका वाड्रा को देना होगा, इसका जवाब सोनिया गांधी जी को देना होगा, राहुल गांधी जी को देना होगा कि आप कब तक देशवासियों को गालियां दिलवाते रहेंगे इन नेताओं से। यह देशवासियों का अपमान है। प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी पीड़ा दिख रही है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि उसके में रोड़ा लगाते रहे आप लोग हमेशा। और आज राशिद अल्वी के बयान ने साबित कर दिया है कि जो जय श्री राम है वो सारे के सारे राक्षस हैं। जय श्री राम कहने वाले लोग उनको राक्षस नजर आते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है और किसके इशारे पर बांट रहा है? ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। उनका जो शीर्ष नेतृत्व तो है उसके इशारे पर ये बयान दे रहे हैं, और किताब भी जो लिखी है सलमान खुर्शीद ने वो भी उन्हीं के इशारे पर लिखी गई है कि करोड़ों करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा।